close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. हाय गाइस, तो आज है मेरा वैक्सीनेशन डे और अभी कितने बजे हैं, मेरा 5 बजे का शेड्यूल है और अभी बजे हैं 11 o'clock। हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है, बस लंच की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आराम से 5 बजे का स्लॉट मिला है तो आराम से जाना है। और मुझे कोई डर वर नहीं लग रहा है वैक्सीनेशन से, बल्कि मुझे बहुत एक्साइटमेंट है। बहुत लोगों को लगता है इनिशियली जाने से पहले, बट मुझे उल्टा बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि आज मेरा वैक्सीनेशन है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी। पता नहीं, मुझे नहीं लगता इंजेक्शन से डर वर, सो रिलैक्स होके जाऊँगी, आराम से चिल करेंगे। अभी क्या हो रहा है ना कि डेली इवनिंग में ना, अभी पिछले कुछ दिनों जो साइक्लोन आया था उसकी वजह से जो डेली इवनिंग में मॉनसून जैसा मौसम हो जाता है, मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। सो बल्कि उल्टा मुझे बहुत अच्छी एक्साइटमेंट वाली फीलिंग हो रही है कि मुझे बाहर जाना है, बहुत दिनों बाद बाहर जाने को मिलेगा। और मम्मी बैठी हैं। मम्मी, अच्छा आपको वैक्सीनेशन, मम्मी को वैक्सीनेशन लग चुकी है, तो मम्मी आपको वैक्सीन लगी थी ना? तो आपको कैसा फील हुआ था, मतलब आपको फीवर आया था? नहीं आया था, मेरे को ठीक ठीक लगा, मतलब इससे ज्यादा ठीक लगा कि भाई। अच्छा, 2 दिन तक दर्द हुआ था बस, उस दिन जिसे लगाया था तो कुछ भी नहीं हुआ था। अच्छा, तो 2 दिन तक आपको हाथ में दर्द रहा था, दर्द रहा था। और फीवर आया था आपको? नहीं आया, फीवर नहीं आया। अच्छा, तो देखते हैं। मम्मी बोल रही है कि मम्मी को तो फीवर नहीं आया था। ओ, कीवी उठ गई है, एक मिनट। हाँ वेट। सो बीच में हमारी कीवी मैडम उठ गई है, तो ये देखो रोने लग गई थी जोर जोर से, तो उसको लेने के लिए गई थी। और मैं क्या कह रही थी हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि मम्मी को लगा, तो मम्मी को तो ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। और अमित को भी लग चुकी है एक वैक्सीन, कोवैक्सीन लगी है, तो ये तो उनको भी ऐसा कुछ फीवर या कुछ बहुत पेन, बिल्कुल लाइट सा पेन था हाथ में, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं था, तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। बट देखते हैं मेरे साथ क्या होता है, बिकॉज हर पर्सन की बॉडी टाइप अलग होती है, तो मे बी किसी को फीवर आता है, किसी को वीकनेस होती है, किसी को नहीं होती है। तो मम्मी को और अमित को तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेट्स सी मुझे क्या होता है। और सो मुझे जो वैक्सीनेशन लगवानी है, मुझे जाना है TCS के ऑफिस।
टीवी नहीं रो रहा जा टीवी क्यों रो रहा टीवी क्यों रो रही बेटा दादी का चश्मा लेना है ये लड़की दादी का पूरा चश्मा तोड़ चुकी है बचा खुचा है थोड़ा सा तो दादी बोल रही है कि लॉकडाउन में चश्मा नहीं बनेगा भैया मत तोड़ो तो लेकिन कीवी तो पूरा इसको चश्मा ही चाहिए दादी का तोड़ देती है उसको पूरा आरबी ने और कीवी ने दोनों मिलके दादी के चश्मे की पूरी तरह से वॉट लगा चुकी है कीवी तो मुझे जाना है इंदौर टीसीएस में पहली बार जा रही हूँ और अब तो डबल एक्साइटमेंट है कि एक तो मुझे बहुत अच्छी जगह जाना है वैक्सीनेशन लगवाने और वैक्सीनेशन का मुझे कोई डर वर नहीं है मैं आराम से रिलैक्स होके जाऊँगी अच्छे से लगवा लूँगी सो दूसरी चीज़ कि वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत रहती है वहाँ पे शूट वूट करना अलाउड नहीं होता है सो अमित टोल्ड मी कि तुम्हें वहाँ कुछ शूट करने को नहीं मिलेगा तो थोड़ा जहाँ चांस मिले वहाँ कर लूँगी सो आपको थोड़ा सा दिखाऊँगी इंदौर का TCS का ऑफिस और बिल्कुल उसका थोड़ा सा एक व्यू आपके साथ शेयर करेंगे दादी और कीवी दोनों खेल रही है दादी कीवी देखो दादी कीवी क्या कर रहे हो आप सुन ही नहीं रहे हो दोनों दोनों हम मस्त हो सो दादी और मैंने और कीवी ने तीनों ने ब्रेकफास्ट कर लिया कीवी तो सो गई थी ब्रेकफास्ट करके आराम से अच्छी खासी एक मैप लेके उठी है और रोती है उठते ही रोते इनको उठते इनको रोना चाहिए होता है और बस अभी इसको पानी वानी पिलाती हूँ तो चलिए गाइस फिर फटाफट से काम सारे निपटा के और 5 बजे का स्लॉट है तो निकलेंगे 4:30 अराउंड क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ हम रहते हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है सो आराम से इंजॉय करते हुए जाएंगे मॉनसून को और आपको रास्ते में दिखाती हूँ
गाइस, आई एम बैक होम। थोड़ी सी थकान हो रही है, सो उससे दूर करने के लिए मैं अपना बहुत ही फास्ट एनर्जी वाला ड्रिंक प्रिपेयर कर रही हूँ, जिसमें मैंने पानी लिया है, उसमें मैंने लेमन स्क्वीज किया है, थोड़ा सा ब्लैक सोल्ट ऐड किया है। बस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड योर इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर इज़ रेडी। सो बस अब इसे पी के अपनी थकान थोड़ी सी उतारूंगी एंड लेट्स सी व्हाट हैपन, आगे क्या होता है। सो गाइस, वैक्सीनेशन डन हो चुकी है। सो मैं घर आ गई हूँ। घर आने के बाद मैं अच्छे से नहा लिया है, फ्रेशन अप हो गई हूँ। उसके बाद मैं ले रही हूँ ये मेरा डिटॉक्स ड्रिंक, जिसमें मैंने लेमन ऐड किया एंड ब्लैक सोल्ट ऐड किया है। क्या ये बहुत अच्छे से डिटॉक्स करेगा बॉडी को और बहुत बहुत यम्मी है। सो वैक्सीनेशन बहुत अच्छे से हो गई और जो जो मैं शूट कर पाई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम TCS के कैंपस में गए थे, तो वहाँ पे इतना शूट कर पाना पॉसिबल नहीं था। वहाँ पे वीडियोस फोटोज़ बिल्कुल भी अलाउड नहीं थे, बट जो जो मैं शूट कर पाई वो मैंने शूट किया। बहुत अच्छा रहा वहाँ का एक्सपीरियंस। बिल्कुल भी हमें टाइम नहीं लगा, मतलब हमें मैक्सिमम हाफ एन आवर में हमारा काम बहुत अच्छे से हो गया। बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, काफी अच्छे से सिक्योरिटी भी है। अभी तो इंस्टेंट तो कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा है, बट देखते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है। कल या एक दो दिन में ही पता चलेंगे सिम्टम्स की, फीवर आता है या और भी कोई चीज होती है। सो अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है, बिकॉज अभी लगा के आए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा इवनिंग का 5 बजे का स्लॉट था, तो वही पहुंच के और लगवाया, तो वही शाम हो गए थे। और आके बस नहाई हूँ और मैं बस ये डिटॉक्स ड्रिंक ले रही हूँ। और ज़्यादा कुछ चेंजेस करने नहीं, उन्होंने बोला है कि फीवर आया आपको लगे तो आप पैरासिटामोल ले लेना, और आपका अगर हाथ दुखता है, पेन वेन होता है ज़्यादा, तो बर्फ से सेक कर लेना। बस यही उन्होंने बोला है, तो वो मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि मुझे हल्का सा लग रहा है कि हैंड थोड़ा सा पेन कर। आफ्टर सो लोग एक थोड़ी सी फ्रेश एयर मिली, क्योंकि बहुत टाइम से लॉकडाउन की वजह से घर में ही थे। और जहाँ हम गए थे TCS के कैंपस में ना, वहाँ का जो वे है वो बहुत ही अमेजिंग है। और हम स्पेशली 2 व्हीलर पे गए थे, तो बहुत बहुत मज़ा आया। एंड आपको पता ही है, अभी साइक्लोन वगैरह चल रहा है, तो उसकी वजह से सभी कंट्रीज़ में कुछ ना कुछ इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे डेली इवनिंग में ऐसा मौसम हो जाता है, हवा बहुत चलती है, पानी पानी आ रहा है, मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। तो थोड़ा सा ना टाइमिंग भी ऐसा, मेरा स्लॉट भी इवनिंग का ही था, तो बहुत मज़ा आया। गई तब तो लग ही नहीं रहा था, डर तो बिल्कुल था ही नहीं, क्योंकि मौसम इतना प्यारा था, तो बहुत एंजॉय किया। ऐसा लग रहा था कि अच्छी सी लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं। सो सिंपली अब डिनर की प्रिपरेशन करनी है। सो मिलते हैं कल।